भगवान भरोसे यार, बस एमएस धोनी दिख जाए, बस एक जन आउट हो जाए और एमएस धोनी आ जाए और ये छक्का। अरे यार धोनी को देखो, सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज आज हम आए हैं चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स का मैच देखने के लिए और जस्ट हम स्टेडियम में आए गए अभी। तो गाइज स्टेडियम के अंदर अभी आप आ गए हैं और अभी जस्ट आपको सीन बता दूँ, कितना तगड़ा सीन हो रखा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है और स्टेडियम के अंदर अभी अभी है ही और सामने गाइज मैच खेल रहे हैं। सीट पे बैठ गए अभी और अभी हाफ टाइम हुआ है और मैच दिखाता हूँ आपको, कितना बहुत इंटरेस्टिंग मैच आ रहा है यार। तो चेयर लेडीज डांस कर रही है यहाँ पे, और गाइस आपको एक चीज दिखा देता हूँ, जैसन होल्डर सामने खड़ा है, जस्ट मेरे जस्ट होल्डर सामने खड़ा गाइज मेरे। तो गाइज ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो चुका है 47 रन पे, कैच आउट हो गया। एक चीज दूंगा आप लोगों को, वैसे अभी मोइन अली खेल रहे हैं, वैसे अभी मोइन अली खेल रहा है और जैसा ऑर्डर बोल कर आ रहा है और जस्ट पहली बॉल में बाउंसर पटक दिया, देखते हैं क्या होता है। बस मेरे को तो धोनी की जल्दी है यार, धोनी आ जाए बस जल्दी से, उसको देखना है लास्ट। तो गाइस मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सामने इतने बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं और गाइस मैं धोनी को सामने से देख पाऊंगा पहली बार, और जो भी उसके लास्ट मैच के अंदर कितना बुरा है यार मेरे साथ, मतलब मैच भी ऐसा देखने आया जो लास्ट मैच हो। तो फिलहाल तो अभी उम्मीद वही है कि हम धोनी को देख सकें और आगे तो अभी देखते हैं क्या होता है, कौन जीतेगी, राजस्थान रॉयल्स जीतेगी या चेन्नई जीतेगी। भाई मैं तो चेन्नई को जिताना चाहता हूँ क्योंकि धोनी फॉर एवर है भाई अपना, बस उसी को देखने के लिए रुका हूँ मैं तो। एक चीज देखो गाइस, जॉय रूट टी नटराजन यहाँ खड़े सामने, टी नटराजन वो रहा, जॉय रूट वो खड़ा वहाँ पे। आवाज आपको आ रही नहीं होगी, मोइन अली आउट हो गया यार। स्टेडियम में मजा ही अलग आता है भाई, लाइव कितना भी देख लो लाइव में मजा ही बहुत आता है यार, आना पड़ेगा रेगुलर अब मैच देखने के लिए। तो भाई 30 बॉलों में 78 रन चाहिए। एक चीज बताऊं आप लोगों को, ये मोइन अली जा रहे थे यहाँ से, ये हमारे हार्दिक भैया और ये बाउंसर है भाई जो मोइन अली के जैसे दिखते हैं। अरे भैया इधर तो देख लो एक बार। तो गाइस कुछ भी बोलो, जो लाइव मैच देखने का जो मजा है ना कहीं भी नहीं है, और आप लोगों के लिए यार ऐसी ऐसी जगह पे आके वीडियो बनाता हूँ। तो अब तो आप सब्सक्राइब तो कर ही दोगे यार, ये भाई कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो भाई, लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो, भाई बोल रहा है लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो।
ये बोल रहा भाई कर ही देना यार, अब तो यार आप लोगों के लिए कहाँ कहाँ जाता हूँ यार वीडियो बनाने के लिए। बस ये थोड़ा लेट हो गया था, लास्ट एंट्री में घुसा था मैं, और अभी 129 पे 5 विकेट हो चुके हैं, तो मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस अभी 2 मिनट का ब्रेक टाइम चल रहा है, उसके बाद में मैच स्टार्ट होगा। और भाई जहाँ के जो चीज़ें हैं ना बहुत महंगी महंगी दे रहे हैं यार, मतलब पानी का गिलास भी यार 30 रुपये का मिल रहा है यहाँ तो। मजाक कर रहा हूँ, पिया है मैंने, ये नहीं बोल रहा कि मैं नहीं पिया। धोनी का इंतजार है मेरे को, तब तक वो जल्दी से आ जाए यार। बस वीडियो बनाओ भाई। जेसन होल्डर अभी बॉल करा रहा था और छक्का लग गया है, अभी लंबा स्ट्रेट का। तो गाइस अभी शिवम दुबे खेल रहा है और चौके पे चौके मारा जा रहा है भाई। बस उसकी बैटिंग की निगरानी नहीं दिखा सकता मैं आपको, क्योंकि यार ये सामने पुलिस वाले इतने खड़े, तो आगे सामने दिख रहा भी नहीं है कुछ भी। अरे चौका बच गया, बच गया, बच गया, चौका नहीं गया, चौका नहीं गया। तो गाइस देख लो यार 14 बॉलों में क्या रन चाहिए, मेरे को तो लग रहा नहीं जीतेगी किसी भी हालत के अंदर। भगवान भरोसे यार, बस एमएस धोनी दिख जाए, बस एक जन आउट हो जाए और एमएस धोनी आ जाए, और ये छक्का। अरे यार यार एक कोई भी आउट हो जाए यार, शिवम दुबे जाए, कोई भी हो जाए, धोनी दिख जाए बस लास्ट में यार एक बार। पता नहीं लास्ट बार भी देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा यार धोनी। जेसन होल्डर का ही जोरा, ये देखो ये रहा जेसन होल्डर, फिर साले बहुत लंबे लंबे यार ये तो। भाई चौका चल गया भाई, शिवम दुबे चौके मार गया। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा यार कि मतलब इतने बड़े बड़े प्लेयर मेरे सामने खेल रहे हैं यार। जेसन बोल रहा है, जयसवाल, संजू सैमसंग सामने खड़ा है, विकेट कीपर लग रहा है यार। तीन रन, संदीप शर्मा जयसवाल जब सामने आके गए गए, सभी जड़ेज आउट हो गए अल्ट्राइज के अंदर, वो सामने दिख रहा है वहां पे, मैं देख के बताता हूँ क्या आता है। एज तो है यार, एज तो है। नो डाउट है यार, क्या ही देख पाएंगे यार, क्या ही देख पाएंगे हम दोनों को। जडेजा यार आउट हो जाए यार, धोनी को देख लेते लास्ट के ओवर में, तो 8 बॉल बच रही, 8 बॉल में 42 रन चाहिए यार, 8 बॉल में यार, लास्ट के ओवर में तो धोनी को मिलना चाहिए यार, धोनी तो दिख जाना चाहिए लास्ट ओवर के अंदर। भाई जेसन होल्डर बॉल कर आ रहा है, छक्का नंबर 1। क्या यार क्या मैच चल रहा है, वही 4 बॉल बाकी है यार, 4 बॉल में 36 रन चाहिए, किसी भी हालत में नहीं जीत सकती यार। चेन्नई तो हार गई और मार भी तो नहीं रहे यार, छक्के चौके यार, क्या यार। लास्ट में धोनी को देखने आए थे, वो भी नहीं देख पाए धोनी को अच्छे से यार, पता नहीं बाहर भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे यार। बस लास्ट बॉल पे देख दो यार आके, धोनी को तो देख ले कम से कम।
नंबर है धोनी को भेज दो। आउट हो गया। भाई राजस्थान रॉयल्स जीत चुकी है यार, लेकिन धोनी को नहीं देख पाए हम। लास्ट बॉल पे कैच आउट हो गया। बोलो कैसी बात है यार, क्या बताऊं मैं आप लोगों को यार, क्या यार लास्ट बॉल पे कैच आउट हुआ है। तो भाई ये सपना सपना रह गया यार मेरा। तो आज के बाद हम धोनी को नहीं देख पाएंगे, बल्कि मैं तो नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मैं तो जयपुर में था, तो यहाँ तो फिर भी देख सकता था मैं धोनी को। और बीच में एग्जाम के डेज और चल रहे यार, एग्जाम में जा भी नहीं सकते कहीं, और अगर एग्जाम नहीं होते तो चला भी जाता यार, लेकिन देखते हैं यार। लेकिन मजा बहुत आया यार आईपीएल देखने में, जो लाइव मैच देखने में जो मजा आता है ना कहीं भी नहीं आता गाइस। तो गाइस आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, जो मैच के बाद में जस्ट जो कमेंट्री बॉक्स होता है जहाँ पे सब जो मैन ऑफ द मैच वगैरह होते हैं उनको बुलाया जाता है, वो सेटअप सब हैंड टू हैंड होता है जस्ट मैच खत्म होने के बाद, जस्ट लग जाता है बस। आपको दिखाता हूँ देखो, देखो गाइस वो रहा, वो यहाँ पे सेट लग रखा है सारा, वो हैंड टू हैंड लग जाता है सब के सब ये रहा। इनके कारण में देखो भाई राजस्थान रॉयल्स वालों के। हाँ ठीक है भाई, जीत गई यार, जीत गई 32 रनों से जीत गई यार राजस्थान रॉयल्स। ग्राउंड पे तो हम धोनी को देख नहीं पाए, लेकिन स्क्रीन में तो देख सकते हैं गाइस। तो गाइस संजू सैमसन को ऐसे देख लेंगे हम, तो ग्राउंड में तो दिखे नहीं अच्छे से, ऐसे देख लेंगे यार संजू सैमसन को तुम तो। तो गाइस मैच तो पूरा खत्म हो चुका है और राजस्थान रॉयल्स जीत चुकी है, जिसको देखने आए थे वो तो दिखे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं जाके देखेंगे अगर अगर अगला मैच में जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी तो। और अभी तो चल रहे हैं बाहर, तो बाहर जाके आपको माहौल दिखाते हैं बाहर का क्या माहौल होता है। लेकिन यार मन के मन में रह गए यार, धोनी को नहीं देख पाए, बोलो इतने पास में आके और धोनी को नहीं देख पाए यार। ओ गाइस ये बस है चेन्नई सुपर किंग्स की, धोनी और बाकी टीम चेन्नई के सारे प्लेयर्स इस बस में जाएंगे, देख लो गाइस बस। तो गाइस ये है राजस्थान रॉयल्स की बस, जहां से सारे टीममेट्स बाहर जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग बस तो आगे लग रही है, और ये राजस्थान रॉयल्स की है, और जो जितने भी टीममेट्स हैं वो सब यहां से आएंगे गाइस। टीममेट्स पता नहीं गाइस कब तक आएंगे, पर अभी रात के बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं गाइस रात के। तो मेरे को तो लगता नहीं गाइस वो बसों में जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट गाड़ी सबकी गाड़ी है गाइस यहाँ पे। तो गाइस सुरेश रैना भी हमारे सामने से गए हैं, धीरे धीरे देखते भी कौन कौन आता है। अरे सामने से तो हट जाओ भाई, यो मोड़ से भाई थोड़ा पीछे में कोऑपरेट कर यार, समझ नहीं गया। तो भाई जब संजू सैमसन अंदर चला गया, कुलदीप
भाई जेसन होल्डर जब सामने बैठा मेरे खिड़की के अंदर। तो गाइस खड़े ऐसे कैसे यार, अब चेन्नई वाले बस लगेगी। सब लोग जा चुके हैं यहाँ से, सारे टीममेट्स गई, चेन्नई की टीम पहले गई। तो गाइस स्टेडियम से बाहर तो हम आ गए थे और अभी जा रहे हैं एग्जिट की तरफ और अब सीधा चलते हैं अपने हॉस्टल जहाँ पे अपन अभी रहते हैं। तो गाइस चेन्नई की टीम तो पहले निकल गई थी हमारे आने से पहले ही, बस तो ऐसे खड़ी कर रखे थे ताकि लोग पागल लिए उनके लेके, प्राइवेट गाड़ियाँ बुलाई थी गाइस, तो प्राइवेट गाड़ी से चल गए थे वो। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें यार, आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाता हूँ और आप लोगों की सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा यार। तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर एंड कमेंट मारो और वीडियो को शेयर करना ना भूलना और सब्सक्राइब भी करना।